समाजवादी पार्टी जो है ये सच्चाई के रास्तों पे है, सच्चाई के राह पर है। सबसे बड़ी बात तो ये रही हमें खुशी कि हमें वो 1.5 महीने से प्रयास कर रहे थे आने के लिए, आप लोग आ जाइए। और हम लोगों का विचार भी था कि सपा पार्टी को सपोर्ट करें, प्रचार करें, सहयोग करें। अब हमारा जो उद्देश्य है अखिलेश भैया को 2022 में उत्तर प्रदेश के सीएम बने, पूर्व बहुमत से उनकी सरकार बने उत्तर प्रदेश में, हमारे किन्नर समाज की यही दुआ है, यही कामना है उत्तर प्रदेश के पूरे किन्नरों से। अब प्राचीन नगरी से जो बाबा विश्वनाथ की जो नगरी से जो किन्नर समाज जो दुआएं दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, उन दुआओं से 2022 में वो सीएम जरूर बनेंगे। हमको यह प्रचार करना हो या हमें एक एक वोट मांगना हो, हम मांगेंगे जनता से, अखिलेश जी के लिए हम जरूर मांगेंगे। और नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, उनका बड़ा प्यार रहा है किन्नर समुदाय से, किन्नरों के साथ। हमारी रोशी मम्मी भी गई, कितना अखिलेश भाई ने कितना उनको प्यार दिया और अपने बगल में बैठाया, बैठा के अदब से उनसे बातें की। उन्होंने फिर इनका मन था कि हम सदस्यता लें, तो हम सब ने सदस्यता ली कि सपा सरकार बने। अभी हम लोगों ने 10 लोगों ने सदस्यता ली है, हम लोगों ने पूरी 1000 की बातें की थी, 1000 के उसमें हॉल में वो समय नहीं मिल पाया था, उसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाए। मगर अगले क्षण में हम लोग अखिलेश जी को बुला के और फिर पूरे किन्नर समुदाय को सदस्यता दिलाएंगे। क्या किन्नर समाज जो वाराणसी में है, जो आज सदस्यता लिया है, क्या उत्तर प्रदेश में कुंभ के लिए प्रचार करेगा? हाँ हाँ बिल्कुल प्रचार। आरे भाई प्रचार कैसे बताएं, जब पार्टी से जुड़े हैं तो प्रचार भी करेंगे। अच्छा जी ये बताइए, 2022 में चुनाव का माहौल, हाँ हाँ ये आपने अभी क्यों सदस्यता है? ऐसा है भाई, ये तो 5 साल पहले भी आप, हम दुकान से कपड़ा खरीदने जाते हैं, पहले मार्केट जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है, फिर बाद में उसको सिलवाते हैं, सिलवाने बाद उसको देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है, फिर उसको पहनते हैं, तब जाके लगता है आप भैया पहने, आप तो शादी में हम जाएंगे। नहीं मेरा ये प्रश्न ये है, नहीं नहीं अब हम पहले से सदस्यता लेंगे, पार्टी को जानेंगे, बूझेंगे, लोगों से बातें करेंगे, तब तो हम आगे कुछ काम करेंगे। हाँ हाँ हमने किन्नर आयोग की बात की है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आने के बाद ये किन्नर आयोग बनेगा और लागू उत्तर प्रदेश में किन्नर आयोग होगा, कोई प्रदेश में किन्नर आयोग लागू नहीं हुआ है। बात करें उत्तर प्रदेश में क्या ये अभी जो आपने सदस्य ली है, हाँ ये हम लोग 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने हो गए, 1 अक्टूबर को सदस्यता ली गई है, 1 अक्टूबर को। जी आप अपने संस्था गुलिस्ता के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताइए। गुलिस्ता जो हमारी जो गुलिस्ता ट्रस्ट है वो उसका उद्देश्य है कि गरीब लड़कियों को सहायता करे पढ़ाई लिखाई में, सिलाई कटाई में, ट्रांस कम्युनिटी को भी यही हक है कि सिलाई कटाई करे, कुछ भी करे, वो जनता की सेवा करे, मदद करे, जनता के बीच बैठ के अपनी भावनाओं को रखे, कैसी भावनाएँ हमारी जनता के बीच है। मगर शुरू से हमारे जो जनता के जो प्रतीक जो हमारी भावनाएं बहुत अच्छी रही है और हमें जजमान हमसे आशीर्वाद देते हैं, बधाइयां देते हैं, खुशी खुशी बुलाते हैं, तो जनता के प्रतीक हमारा मेल मिला बहुत अच्छा है। एक सवाल था कि सपा ही क्यों आपने चुना, क्या उद्देश्य है? भाई नेशनल पार्टी सबसे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी आज़ादी से जो जुड़ी हुई, जिसको आज़ादी मिली उस पार्टी ने तो कभी नहीं बुलाया। मायावती जी की भी पार्टी रही उत्तर प्रदेश में, बहुत तमाम पार्टियां हैं, किसी पार्टी ने हमको नहीं बुलाया, हमारे हक अधिकार के लिए बात नहीं की। बस वही एक पार्टी है सपा, ऐसी पार्टी है जो हम लोग को बुला के हम लोग को हक और अधिकार दे रही है और अपने पार्टी में और अपने समाज में जोड़कर हमको लेकर चलना चाह रही है। बीजेपी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो क्या आपने वो छोड़ दिया? भाई अब मैं आपको एक प्रश्न बताऊं, सबका साथ सबका विकास, कोरोना में सब लोग घर में थे कि नहीं थे 2 महीने? जो एक किन्नर समाज रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, मोदी जी ने कहा सबको भाई आप लोग भाई बहनों ये ऐसे घर में रहे, क्या किन्नर समुदाय का कहीं से नाम लिया कि हम कहीं से अलग हैं? क्या अलग हैं? क्या बताओ अलग हैं? नहीं ना है, तो मोदी जी ने नाम क्यों नहीं लिया हमारा? क्या हम किसी से अलग हैं? हम अलग हैं किसी से? हम अलग हैं किसी से? हम समाज के कहीं से अलग नहीं है क्या? हम अलग, क्या अलग हमको कोरोना में देखा गया नहीं कि देखा गया? सबको आपने अनाज का पैकेट पहुँचाया क्या? किन्नर समाज के घर पैकेट पहुँचा या नहीं पहुँचा बताया? माननीय प्रधानमंत्री बताएं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बताएं, कौन किन्नर के घर पैकेज पहुंचा, कौन किन्नर के घर पैसा पहुंचा लॉकडाउन में? जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, उनकी जिंदगी कैसी हुई होगी?
क्या लगता है समाजवादी पार्टी का कितना वोट बैंक में बढ़ेगा? बढ़ेगा भाई, ये बहुत बढ़ेगा। पूर्व बहुमत से वो सीट लाएंगे और अब की बार 2022 में वो सरकार जरूर बनाएंगे, हमें भरोसा है। मेरा नाम सलमान चौधरी है, एक किन्नर समुदाय से। आज ये सपा पार्टी को उद्देश्य है और माननीय अखिलेश जी जो हमारे भैया हैं उनको हम लोग दुआएं देने के लिए आज हम लोग एक साथ ये पाठ्यक्रम भवन के अंदर ये फ्रेश वार्ता हम लोग रखे हैं कि 2022 में सपा अपनी सरकार बनाए पूर्व बहुमत से और हमारे माननीय अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश के सीएम बने और हमारे नरेशोत्तम पटेल जो हमारे भैया हैं वो इतना ख्याल किन्नर समुदाय का करते हैं जो कोई करता नहीं है। कितनी संख्या में आप लोग समर्थन दिए? देखिए संख्या हमारी बहुत है, हमारे सारे जगह बातें चल रही है, सोनभद्र जौनपुर सारे जितने जिलों में हमारी बात चल रही है, सबने कहा है कि हम समर्थक देंगे, हम अखिलेश जी को समर्थक देते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं कि वो चुनाव जीतें 22 का। कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है? हम लोगों ने 10 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है और हमारे बीच में हमारी रोशनी मम्मी जो हैं वो भी बैठी हैं, उन्होंने भी सदस्यता ग्रहण की है और सोनाली जी भी पीछे हैं वो भी सदस्यता ग्रहण की हैं, हमारी सहनाज गुरु हैं वो भी साथ साथ हैं हम लोगों के और उनके माने अखिलेश जी के सपोर्ट में हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बुलाया है अगले महीने, वो अगले महीने जाएंगे उनसे मिलेंगी, वो भी सदस्यता चाहे तो वो ग्रहण कर सकती है। कुछ मांगे भी हैं आपको? हमारी कोई मांगे ऐसी नहीं थी, ना हमारी कोई शर्त थी, ठीक है। सरकार आने के बाद हमने यही मांग की है कि किन्नर आयोग लागू होना चाहिए, किन्नर आयोग बनना चाहिए कि जो हक और अधिकार मिले। आप